हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आप लोग को पिछले क्लास में क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताया था। तो आज हम लोग इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल जी एक्स, द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर वर एक्स माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड जी एक्स। आपको जी एक्स निकालना है, जी एक्स फाइंड करना है जिससे आप लोग डिवाइड किए हैं, हम लोग डिवाइड किए हैं इससे, और जिसका क्वेशेंट एक्स माइनस 2 दे रखा है और इसका रिमाइंडर दे रखा है माइनस 2x+4। तो हम लोग बच्चे से 5th या 4th क्लास में ही हम लोग एक रूल पढ़ते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड मेरा क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों? तो देखो, डिविडेंड एक्स क्यू माइनस 3x और प्लस एक्स प्लस 2 दे रखा है। डिविजर कितना दे रखा है, डिविजर जी एक्स है। डिविजर का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जी एक्स डिवाइड करते हैं तो जी एक्स। अच्छा, क्वेशेंट कितना दे रखा है, इसमें से दोनों में से क्वेशेंट कौन है, पहले वाला। तो एक्स माइनस 2 क्या है, कोसेंट है। प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दे रखा है, माइनस 2x+4। तो देखो, इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो जो अगर इधर से इधर लाते हैं तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। तो देखो, माइनस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x। प्लस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको अब लिख देंगे जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। चलो अब इसको प्लस माइनस करो, जो प्लस हो रहा है प्लस करो, जो माइनस हो रहा है तो माइनस करो। देखो अब लाइक टर्म देखते हैं इसमें, तो एक्स क्यू नहीं है कुछ भी, तो नहीं तो एक्स क्यू लिख देंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर भी अब एक ही है तो ये माइनस 3x², ये देखो यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ पे 2x, प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x। ये देखो, ये प्लस में और ये माइनस में है, बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस 4 में से 2 गए तो 2 इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, अब इसमें आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, यही होगा ना बच्चों, जो जी एक्स हमको फाइंड करना है। तो इसके साथ जो ही मल्टीप्लाई होता है कहाँ आ जाता है, इसके डिवाइड में आ जाता है। तो चलते हैं अब हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग डिवाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है, अगर डिवाइड कर देंगे इसमें जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। तो हम एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। चलो डिवाइड करते हैं, आप लोग अब तक सीख गए होंगे डिवाइड कैसे करते हैं। 3 है तो 1x² से मल्टीप्लाई करो, प्लस होता प्लस हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस 2x² तो माइनस 2x², ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल करो। इसमें बड़े वाला का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस 3 में से 2 गए तो 1x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस लगा दो, क्योंकि ये किसी एक में रहता है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। तो x² है यानी 1x की कमी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस x² माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 2x 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। 3 में से 2 गया तो कितना हो गया, एक्स माइनस 2।
अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस वन से कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू ही आएगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर जीरो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लिख दो कि हैंस जी एक्स इजकल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आप लोग का आंसर कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करना खूब, और फिर इस क्लास में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।